नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिलीगुड़ी के कवाखाली मैदान में सार्वजनिक सभा को किया संबोधित। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की प्राथमिकता महिलाओं के प्रति देखी गई। आज सिलीगुड़ी के कवाखाली मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर बोला हमला। तृणमूल कांग्रेस को गरीब विरोधी महिला विरोधी सरकार बताया। भाजपा में आते ही अभिजीत गंगोपाध्याय ने राज्य की तृणमूल सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी के कवाखाली मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर बंगाल को 4500 करोड़ से ज्यादा की लागत से कई परियोजनाओं की सौगात दी। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 100 रुपया मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिलीगुड़ी पहुंचे। सिलीगुड़ी के कवाखाली मैदान में उन्होंने सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की प्राथमिकता महिलाओं के प्रति अधिक देखी गई। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल सीवी आनंद बोस, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय गृह मंत्री निशित प्रमाणिक, केंद्रीय मंत्री जॉन बरला, राजू बिस्टा और खगेन मुर्मू, देवश्री चौधरी, सुकांत मजुमदार, डॉक्टर जैन कुमार रॉय, पूर्व जज और भाजपा नेता अभिजीत गंगोपाध्याय समेत भाजपा के विधायक और अन्य कार्यकर्ता समर्थक देखे गए। आज के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में दार्जिलिंग पहाड़ियों समेत उत्तर बंगाल के लोगों ने हिस्सा लिया। आज सिलीगुड़ी के कवाखाली मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दल तृणमूल पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस को गरीब विरोधी महिला विरोधी सरकार बताया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने तृणमूल सरकार पर बंगाल में मुफ्त उज्ज्वला गैस कनेक्टिविटी नहीं देने, राशन घोटाला, मनरेगा का पैसा न देकर फर्जी जॉब कार्ड बांटने, आवास योजना का पैसा न देना और गरीब आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार करने, गरीबों की संपत्ति लूटने समेत कई आरोप लगाए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भी भेदभाव का आरोप लगाया। विरोध कर रहा है, यहाँ बंगाल में तो भ्रष्ट टीएमसी सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला विरोधी टीएमसी सरकार ने तो आपके राशन की योजना में ही घोटाला कर दिया। इनके नेता, इनके मंत्री राशन घोटाले के मामले में जेल में है। मोदी ने अपने गरीब परिवारों को राशन के साथ साथ मुफ्त इलाज की गारंटी भी दी है, लेकिन भ्रष्ट और गरीब विरोधी टीएमसी सरकार यहां आयुष्मान योजना लागू ही नहीं कर रही है। टीएमसी सरकार आपको कदम कदम पर लूट रही है। मोदी मनरेगा की मजदूरी का पैसा दिल्ली से भेजता है, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार ने अपने तोलाबाजों को फायदा पहुंचाने के लिए यहां 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड बना करके लोगों को दे दिए। मोदी गरीब के घर के लिए पैसा भेजता है तो टीएमसी सरकार तोलेबाजों के चुने लोगों को आपका पैसा दे देती है। टीएमसी को आपकी तकलीफ। भाजपा में आते ही कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। वह हाल ही में सेनानिवृत्त हुए और भाजपा में शामिल हुए। आज प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल होने के लिए वह कोलकाता से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचते ही अभिजीत गंगोपाध्याय ने पत्रकारों से कहा राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, उच्च अधिकारियों के आदेश पर पुलिस आम लोगों को परेशान कर रही है। হিসেবে হ্যাঁ এবার সার্কিট বেঞ্চে
আজ প্রথম রাজনৈতিক দলের হয়ে আপনি ভাষণ দেবেন, কি ভাষণ দেবো কিনা যাই না, আগে মঞ্চে যাই, তারপর যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হবে সেই দায়িত্ব পালন করব। তার রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা সাংঘাতিক খারাপ অবস্থা, এই রাজ্যে কোনো আইন শৃঙ্খলা নেই। পুলিশ দেখছেন সাধারণ মানুষকে কীভাবে হ্যারাস করছে এবং সেটা উপর মহলের নির্দেশে করছে, সাংবাদিকদের কীভাবে হ্যারাস করছে সেটা উপর মহলের নির্দেশে করছে, এটাকে কি আইন শৃঙ্খলা বলে? তারা মানুষের রোষ, সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ সেটাকে সামলাতে পারছে না, সাংবাদিকরা সেটা তুলে ধরছেন, সাংবাদিকদের অ্যাটাক করছে, এটা তাদের চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক অবস্থা, এটা আর বেশি দিন চলতে পারে না। আমায় কালকে একটা ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি শাসনের 356-এর মতো পরিস্থিতি আছে কি না, আমি ক্লিয়ারলি বলেছি হ্যাঁ আছে, 356 করা দরকার, সন্দেশখালিতে কী হল? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी के कवाखाली मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर बंगाल को 4500 करोड़ से ज्यादा की लागत से कई परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें उत्तर बंगाल और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में नए विद्युतीकृत रेलवे ट्रैक, मनी ग्राउंड रेलवे लाइन का दोहरीकरण और आमबाड़ी फालाकाटा अलुआबाड़ी में संचालित ब्लॉक सिग्नलिंग की परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया। इनमें NH-27 घोषपुकुर धूपगुड़ी खंड की 4 लेन परियोजना और NH-27 पर 4 लेन का इस्लामपुर बाईपास परियोजना शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने सिलीगुड़ी राधिकापुर के बीच एक नई ट्रेन सेवा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। के कुछ हिस्सों में नई विद्युतीकृत रेलवे ट्रैक, मनीग्राम नीम तिता रेलवे लाइन का दोहरीकरण और आमबाड़ी फालाकाटा अलुआबाड़ी में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग की परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य विद्युतीकृत ट्रेनों के उपयोग को बढ़ावा देकर रेलवे के कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में 3100 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें NH-27 के घोषपुकुर धूपगुड़ी खंड की 4 लेन परियोजना और NH-27 पर 4 लेन का इस्लामपुर बाईपास परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना, यात्रा के समय में कटौती करना और इस क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि कृपया बटन दबाकर समस्त परियोजनाओं को साकार स्वरूप प्रदान करने की कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री जी। विकसित राष्ट्र विकसित भारत को संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस महान कार्य को संपन्न किया जा रहा है। अलीपुर द्वार से कोलकाता के लिए रवाना हुए तृणमूल कर्मी 10 मार्च को तृणमूल के कार्यक्रम में होंगे शामिल। अलीपुर द्वार जिले के तृणमूल कार्यकर्ता अलग अलग ट्रेनों से कोलकाता के लिए रवाना होने लगे हैं। 10 मार्च को यानी कल तृणमूल कार्यकर्ता कोलकाता में रैली में शामिल होने के लिए न्यू अलीपुर द्वार स्टेशन से विभिन्न ट्रेनों से कोलकाता के लिए रवाना हुए। तृणमूल के अलीपुर द्वार जिला अध्यक्ष प्रकाश चिकबराइक ने कहा कि आज और कल हजारों कार्यकर्ता विभिन्न ट्रेनों से कोलकाता जाएंगे। पेयजल, बिजली, स्वच्छता, बाजार संचालन, विकास, शौचालय समेत व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं व समाधान पर मालदा में आज एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन रविंद्र भवन क्षेत्र स्थित मालदा जिला नियंत्रण बाजार समिति के सभागार में किया गया। समिति के सचिव असित बार, मालदा मैंगो मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और जिला व्यापी नेता उज्ज्वल शाह सहित फल और सब्जी व्यापारी संगठन के सद्स्य उपस्थित रहे। व्यापारियों द्वारा कई समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Sevok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 97333970.
Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. वो क्या हुआ है मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है तो मेरा जो इश्यू होता है मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ फोर व्हीलर हो या फिर बस पूरी वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ मतलब मेरा सर घूमने लगता है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख यहाँ पे पेन हो रहा है कभी कभी तो यहाँ पर भी आ जाता है मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है यहाँ तक रिलैक्स नागालैंड सरकार डीआर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड चार डिजिट मा हाँ हाँ चार डिजिट मा पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ टिकट 500 रुपया ड्रॉ 16 मार्च डीआर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता श्रीमती पूजा के तपाई हुनुंचे यसपाली को करोड़पति कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी इंटरनल मेडिसिन गायनेकोलॉजी ईएनटी कार्डियोलॉजी गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी डर्मेटोलॉजी जनरल सर्जरी सभी यहां हैं। हमारे यहां एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी पैथोलॉजी सर्विसेज अल्ट्रासाउंड ईसीजी डिजिटल एक्सरे ईजी आदि उपलब्ध है हमसे मिले कामती हेल्थ केयर Near Vega Circle Mall, opposite Mahindra Showroom, Siliguri. Contact 9134343404. सखिया मंडल गैंगटॉक द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण का आज आखिरी दिन है आयोजकों ने बताया कि आज के अंतिम दिन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भजन संध्या एवं कथावाचक का आयोजन किया गया ज्योति स्वरूप के महाराज द्वारा कथा का वाचन किया गया जलपाईगुड़ी में अमोनिया गैस से जलने से एक तकनीशियन की मौत हो गई उनका नाम कुतुबुद्दीन शेख है वह 24 परगना जिले के रहने वाले हैं। आज जब उन्होंने पाइप पर चढ़कर काम शुरू किया तो उनके शरीर के दबाव से पाइप टूट गया भारी मात्रा में अमोनिया गैस निकली और उस गैस से जलने से उनकी मौत हो गई घटना में कुल 4 लोग घायल हो गए NDRF की टीम मौके पर पहुंची और गैस रिसाव को बंद किया জয়দীপ মাহাতো বলে একজন আমাদের এএফপি ও ভেতরে কাজ করছিল ও সামান্য একটু ওর শ্বাস প্রশ্বাসের একটু অসুবিধা হচ্ছিল বিএসএড পড়েছিল ও বিএসএড পড়েই ভেতরে ঢুকেছিল এবং কাজ করছিল কোথায় ঢুকেছিল কোল্ড স্টোরেজ কী হয়েছিল ওখানে মানে অ্যামোনিয়া লিক হয়েছিল আচ্ছা কোল্ড স্টোরেজে অ্যামোনিয়া লিক হয়েছিল আমরা খবর পেয়ে যাই কোন জায়গায় এটা এটা হচ্ছে আপনার বীরবাড়ি বীরবাড়ি বলছি যে বলছি যে কজন আহত হয়েছে কর্মী ওখানকার কর্মী মানে হিমঘরে আমরা যেটা পেয়েছি একজনই ওখানকার ওয়ার্কার উন্ডেড হয়েছে এবং
अलीपुरद्वार कालचीनी प्रखंड के कालीबाड़ी परिसर में भंडारा का आयोजन किया गया। कालचीनी के बीडीओ मिथुन मजुमदार व पंचायत समिति सदस्यों ने भंडारा का आयोजन किया। हर साल की तरह इस साल भी अमरा स्वाबाई नामक संस्था की ओर से शिवरात्रि के मौके पर विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है, जहां करीब 6,000 शिव भक्तों को भोजन वितरण किया गया। आयोजकों ने कहा कि इसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर एवं शिव भजन भी व्यवस्था की गई है। मालदा बावनगुड़ा ब्लॉक के मालदा जिला परिषद द्वारा आर्थिक सहयोग से निर्मित 5 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। पथश्री परियोजना के तहत निर्मित सड़क का शुभ उद्घाटन आज किया गया। सड़क का निर्माण मालदा जिला परिषद के फंड से लगभग 12,67,000 रुपए की आवंटित राशि से किया गया। आज 2 सड़कों के साथ साथ एक हाइड्रेन और सामुदायिक भवन का भी शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर मालदा जिला परिषद अधिकारी पूर्णिमा दास बोरई, परिषद सदस्य अशोक सरकार और अन्य उपस्थित रहे। आमी जॉइन करेछि, आमार एक्चुअली बसा होयनि टाइमेर ओभावे। आमी असित बोर मालदा जिला रेगुलेटेड मार्केट कमिटी सेक्रेटरी हिसाबे जॉइन करेछि। तो मार्केटेर जे जे इस्यूगुलो आमरा आजके मूलत आलोचना करलाम, सेटा हच्छे गिये आमादेर सिक्यूरिटी पार्पास आर हच्छे गिये लाइट, जल, ड्रेन, पार्किंग एरिया, एरकम किछु किछु इस्यू आमरा ओनादेर संगे आलोचना करेछि। সেটা আমরা ওনাদেরকে কিছুটা আমরা চেয়ারম্যান স্যারের আমরা পারমিশন নিয়ে আমরা যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ইস্যুগুলোকে শর্ট আউট করার চেষ্টা করব। কেন কি আমরা সবসময় চাই এই ব্যাপারটা যে আমাদের কাছে মানে সবসময় মেন প্রায়োরিটি হচ্ছে গিয়ে কৃষিজাত পণ্য নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদেরকে মেন প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে গিয়ে আমাদের লক্ষ্য এবং সরকারেরও লক্ষ্য, সেই দিকেই আমরা এগোতে চাইছি। लोकसभा चुनाव से पूर्व पक्की सड़क की मांग को लेकर कुचबिहार तूफानगंज एक नंबर ब्लॉक इलाके के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी शिकायत है कि नए नेश्वरी इलाका तूफानगंज शहर से कुछ दूरी पर है। विभिन्न इलाकों के हजारों लोग हर दिन इस सड़क पर उपयोग करते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण सड़क आज भी गड्ढों से भरी है। पक्की सड़क की मांग को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। स्थानीय निवासी ने कहा, अगर यह सड़क जल्द पक्की नहीं हुई तो वोट का बहिष्कार करेंगे। রাস্তা মনে হাইজেতে আসার বলি, হ্যাঁ বাড়িতে ধুলা বালু অন্ধকার, খাবার পাই না, আর 5 মিনিট জিনিস আলগা তুলতে পারি না, বিছনাবাতি ধুলা বালি অন্ধকার হয়ে যায়। হ্যাঁ কিন্তু এই ভোটের আগে বলে রাস্তা দেব, রাস্তা করবো। রাস্তা কি আপনারা ইয়ে করলেন, বৃক্ষ দেখালেন? রাস্তা হয় না, ভোট এলেই বলে রাস্তা আগে হবে, তারপরে আজকে আপনার বৃক্ষ দেখলেন নাকি? হ্যাঁ আজকে আমরা যে আন্দোলন করলাম, এরপরে ভোটের আগে যদি রাস্তা না হয় ভোট বয় কর আমরা ভোট দেব না। হ্যাঁ আপনার নাম? আমার নাম অনিমা অধিকারী। এলাকা নাম? অন্দরম্ভুর বাড়ি। এক ব্রিগেড র্যালি মে শামিল হোনে কে লিয়ে আজ কাফি সংখ্যা মে তৃণমূল সমর্থক কলকাতা রওনা হুয়ে। कल कोलकाता में आयोजित होने वाली तृणमूल की ब्रिगेड रैली में शामिल होने के लिए जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन से तृणमूल कार्यकर्ता ट्रेन से कोलकाता के लिए रवाना हुए। तृणमूल नेताओं ने कहा कि कई कार्यकर्ता और समर्थक बस से ब्रिगेड के लिए रवाना हो चुके हैं। उत्तर बंगाल से कई और तृणमूल कार्यकर्ता रवाना हो रहे हैं। हमारे सर्वभारतीय नेत्री ममता बंदोपाध्याय এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আগামীকাল আমরা সারা পশ্চিমবাংলার কেন্দ্রীয় সরকার বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে ব্রিগেড জনগর্জন সমাবেশের আয়োজন করছে সেখানে যাওয়ার জন্যই আমরা এখানে এসেছি। আমাদের সদর টু ব্লক, আমাদের সদর ব্লক টু থেকে ইতিমধ্যে 12টার দিকে বাসে রওনা দিছে। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে আমাদের সদর ব্লক থেকে প্রায় 100 খানেক গেল, এখন আমরা আবার উত্তরবঙ্গ আছে, তারপর এরপরে পদাতিক আছে, সেই ট্রেনগুলো তো আমরা ভাগ ভাগ করে যাচ্ছি। হ্যাঁ অবশ্যই, পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রায় 80-85 জন যাচ্ছে আর কি। আমার নাম মকবুল হোসেন, আমি পাহাড়পুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। नागालैंड सरकार DR500 सुपर मंथली लॉटरी, पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड, 4 डिजिट माँ, हाँ हाँ 4 डिजिट माँ, पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 16 मार्च, DR500 सैटरडे वीकली लॉटरी माँ 2.5 करोड़ विजेता श्रीमती पूजा के तपाई हुनुंचे यस पाली को करोड़पति।